नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी। धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। हर तरह की खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत के लिए पूरा दिन शुभ होता है। इस दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए कामों को 3 गुना फल मिलता है। शाम को धनवंतरी, कुबेर और लक्ष्मी की पूजा होती है। यम के लिए दीपदान भी किया जाता है। खास शो शुभ धनतेरस में आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है, क्या नहीं। आपको धनतेरस के दिन पूजा की विधि और पूजा का मुहूर्त भी बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं जो बताएंगे कि क्या करना इस दिन शुभ होता है। देखिए, धनतेरस जो कि अपने आप में बेहद खास दिन और दीपावली से ठीक 2 दिन पहले, और ये कहा जाता है कि धनतेरस पर जो खरीदारी आप करते हैं उसी की पूजा जो है वो की जाती है दिवाली के दिन। और आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला वासुगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, और डॉक्टर HS रावत ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही महंत नवल किशोर दास महामंत्री दिल्ली संत महामंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहित, मैं आपसे समझना चाहूँगी, और क्योंकि बात पहले पूजा की और मुहूर्त की करते हैं, धनतेरस का दिन यानी कि कल का दिन, और कल किस वक्त खरीदारी का मुहूर्त आप देख रहे हैं, किस वक्त पूजा का मुहूर्त आप देख रहे हैं? देखिए, कल का जो दिन है धनवंतरी जी का, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये धनवंतरी जो है आयुर्वेद के प्रणेता जो हुए धनवंतरी जी, उनके नाम से है, उनका ये जयंती भी होती है। और उसमें विशेष पूजन धनवंतरी जी का जो आयुर्वेद के आचार्य हैं वो अवश्य करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। तो प्रातः काल को उसका पूजन करते हैं धनवंतरी जी का। और उसके उपरांत जो जन सामान्य के लिए इसमें सोना है, चांदी है, और उस चांदी का पात्र है, या जिसका सामर्थ्य चांदी खरीदने का नहीं है तो वो अपना सामान्य बर्तन ही ले लेता है, तो इस दिन जो है पूजन सामग्री को क्रय करने का विशेष महत्व है। और इस दिन जो भी सामग्री हम खरीदें तो उसको पहले जब महालक्ष्मी का पूजन करें दीपावली के दिन, उस दिन उसको भगवान को समर्पित अवश्य करें, और जो भी उसमें समर्पित करें तो उसके ऊपर खीर और खिलौना आदि जो पूजन सामग्री है विशेषकर वो रखें, और उसमें रोली अक्षत अवश्य लगाएं। इसका प्रतीक है कि हमारा घर जो है वो धन धान से हमेशा परिपूर्ण होता रहे और आरोग्य जो है वो हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि हमारे जो भी ये पर्व हैं इनकी मुख्यता ये है कि देखिए, अभी जब होली पड़ती है तो हम शीतकाल से गर्मी की ओर जाते हैं, ग्रीष्म की ओर। अभी हम जो है शीतकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस समय तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, जानलेवा बीमारियां होती हैं। तो जो भी हमारे ये पर्व हैं उसमें दीपोत्सव होता है, दीप जो जलाते हैं धनवंतरी, जो धनतेरस के दिन से दीप प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं, तो 5 दिन का दीपों का ये त्योहार है, तो वातावरण को आरोग्यप्रद कर देता है और जितने भी इस प्रकार के बैक्टीरिया वायरस हैं उनको समाप्त कर देता है। और इसके साथ में हवन भी जो है इस दिन करना चाहिए प्रातःकाल, और हवन करने से आप गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, जो उसमें औषधियां प्रयोग होती हैं, और उनसे भी हमारा वातावरण शुद्ध होता है। घर की शुद्धता का दीपावली में बड़ा महत्व, इसीलिए आप देखिए कि नरक चतुर्दशी भी लोग मनाते हैं, उसके पहले से दीपावली में साफ सफाई 15 दिन पहले से लोग करना शुरू कर देते हैं, तो स्वच्छता जहाँ पर होती वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व। ठीक है विक्रमादित्य जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, और खास तौर पर अगर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो घर को ही खरीदता है, और गणेश लक्ष्मी की जब हम मूर्ति खरीदते हैं तो उसमें भी कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? विक्रमादित्य जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवल किशोर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि धनतेरस के दिन देखिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तो हर कोई खरीदता है, तो जब गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं तो किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, और साथ ही क्या नहीं खरीदना चाहिए? जी, मैंने पहले निवेदन कर दिया था, ये ज्योतिष का विषय, पूजा पाठ का विषय आचार्यों का होता है। मैं अखाड़े का प्रवक्ता हूँ, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा दीपावली का आनंद का त्यौहार है, अंधेरे से प्रकाश की ओर हम जाते हैं, सबके अंदर
ज्ञान सच्चू का प्रकटीकरण हो, पवित्रता दिव्यता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हमारा जो त्यौहार है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब रावण को मुक्ति प्रदान करके अयोध्या आए थे, तो अयोध्या के लोगों ने भगवान के आगमन पर उत्सव मनाया था, आनंद मनाया था, दीप जलाए थे, साथ ही महालक्ष्मी का प्रागट्य दिवस भी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कल धन्वंतरी जी की पूजन होगी, औषधि के देवता हैं, तो हमें पहले निरोगता प्रदान हो, निरोग हम पहले धन कहा जाता है, पहला धन निर्मल हो काया, दूसरो धन दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख है शरीर निरोग रहे, तो त्यौहार के मिठास से पहले हम शरीर में निरोगता रहे, उसके लिए धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं जो औषधि प्रदान करते हैं, और उसके बाद हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजना करते हैं, गणेश जी हमें विवेक प्रदान करते हैं, लक्ष्मी में धन धान प्रदान करती है। तो हम अपने घर को पवित्र दिव्य बना करके, घर की शुद्धि करके, परिवार के साथ बैठ करके 31 तारीख को शाम को माँ गणेश लक्ष्मी की हम पूजन करें, पवित्रता दिव्यता के साथ करें, जो हमारे घर में साल भर तक धन धान की पूर्ति रहे, घर में कोई कलेश कोई अप्रसन्नता न हो, सब प्रसन्न रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर एच एस रावत जी हमारे साथ है। एच एस रावत जी, आप कैसे देख रहे हैं कल, जिस तरह से अगर हम धनतेरस की बात कर रहे हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, किस वक्त पूजा करें और कैसे पूजा करें, किन बातों का खास ख्याल रखें? अनन्या जी, सबसे पहले तो हमें पांच तत्वों की और पंच उपचार विधि से पूजा करनी होती है। जब भी कोई पूजा करें तो सबसे पहले हमें पंच उपचार विधि उसके अंदर चाहिए। हमें एक जल का लोटा चाहिए, वहां पर थोड़ा रोली चाहिए और चावल चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, नई बेद यानी कुछ खाने की मीठी चीज़ें चाहिए, जैसे कई बार खील बतासे भी रख लेते हैं, और पुष्प माला चाहिए। इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो पंचोपचार विधि, दसोपचार विधि और षोडशोपचार विधि, ये तीन प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो ज़्यादातर साधारण जो लोग होते हैं वो पंचोपचार विधि की ही पूजा उसमें करते हैं। पंचोपचार बहुत सिंपल पूजा होती है, यानी आप एक जल का लोटा ले लीजिएगा, लोटा लेकर के उसमें जल भर दीजिए, जल भरने के बाद में उसमें गंगा जल डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा शुद्ध करना होता है। पहले गंगा जल को ना हम पवित्र करते हैं, यानी उसको पढ़ते हैं एक तरीके से। तो जितने भी घर के लोग हैं सब लोग वहाँ पर पहले थोड़ा सा जल छिड़क करके अपने जहाँ पर आपका मंदिर है वहाँ पर बैठ करके और सब हाथ लगा करके वहाँ वरुण देव को याद करना है, जल देवता को याद करना है, गंगा जी को याद करना है, हरिद्वार की तरफ ध्यान करना है और बहते हुए जल को याद करना है, क्योंकि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। अगर पूजा के समय हमारे शरीर के अंदर फ्लक्चुएशन आ गई और हमें फिर मान लो मूत्र विकार आता है, पेशाब आता है, शौच आता है, तो हमारी पूजा जो है अशुद्ध हो जाती है। इसलिए पहले हम जल देवता से प्रार्थना करते हैं कि उसी का आधिपत्य हमारे शरीर पर सब ज्यादा होता है। तो उस समय एक मंत्र बोलना होता है, ओम गंगे च जमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंध कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतका पूरी द्वारा वती च सप्तेति मोक्षदायका। यानी इस मंत्र से क्या होगा, वो जल शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और उसके बाद में फिर थोड़ा फूल लेकर के उस जल को डुबो करके अपने हाथों को धोएं और उसको तीन बार आचमन करना है, पीना है उस जल को, तो अंदर से शुद्ध हो जाते हैं। और फिर तीन बार ऊपर अपने छिड़कना है, सभी को अपने शरीर के ऊपर छिड़कना है, मंदिर पे छिड़कना है, अपने रूम के अंदर जहां मंदिर का है वहां पर छिड़कना है, तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और नेगेटिव ऊर्जा वहां से अनन्या जी भाग जाती है। यानी उस जल से कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में छिपी होगी, मंदिर में छिपी होगी, वो भाग जाएगी। उसके बाद में आप आराम के साथ में बैठें और फिर वहां पर दीपक को प्रज्वलित करना होता है। आपको दीपक भी घी का रखना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा जल के बिना, पांचों तत्वों के बिना संपन्न होती नहीं है। तो फिर दीपक को जलाते वक्त भी एक मंत्र बोलना है, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुतो। तो यानी इस मंत्र को जाप करने के बाद, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, अब यानी हम रेडी हैं पूजा करने के लिए। और फिर हमें संकल्प के तहत आह्वान करना है धन्वंतरी देवता का, यानी जो मुख्य देवता है जिसकी हमें पूजा करनी होती है, उनसे आह्वान करते हैं कि हे धन्वंतरी देवता आप हमारे घर में विराजिए,
हे धनतेरस, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारे पास धन दान की कोई कमी ना रहो, शरीर शरीर निरोग रहना चाहिए, परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट कलह ना हो। तो इस प्रकार से फिर हम एक संस्कृत में संकल्प होता है उसको ना बोल करके, आप अगर सिंपल भी बोलोगे अपनी भाषा में, इंग्लिश में बोल सकते हो, जिस भाषा जो भाषा भी आप जानते हो, मलयाली जानते हो, किसी में भी जानते हो, उसको बोलने के बाद सिर्फ आपको आह्वान करना है कि उस देवता को आह्वान किया, आह्वान करने के बाद में फिर उनको सबसे पहले उसी प्रकार से आपने जल छिड़क करके उनको स्नान कराना है, उसके बाद उनको फिर वस्त्र पहनाने हैं, उसके बाद उनको आभूषण पहनाने हैं, फिर उनको एक माला पहनानी है, फिर भोजन कराना है। उस समय जब भोजन कराने की बात आती है तो प्रसाद लेकर के आप, और ये पंचोपचार पूजा होती है, बड़ी सिंपल होती है, इसमें भाव होना चाहिए। अगर भाव आपका अच्छा है तो फिर आनंद की अनुभूति आती है और वो देवता आकर के फिर हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं क्या आप निरोगी रहिए सब परिवार के लोग, आपके पास धन धान की कोई कमी ना रहे, स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो ये पूजा बड़े सिंपल तरीके से अनन्या जी हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसी को जब हम वेद मंत्रों के माध्यम से करते हैं तो ये लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप वेद मंत्रों के माध्यम से नहीं कर सकते, आप ऑफिस में काम करते हैं, पता नहीं है पूजा का विधान नहीं पता है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपनी अपनी भाषाओं के जानकार हैं, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई मद्रासी है, तो वो अपनी भाषाओं में तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। विक्रमादित्य जी, आपके हिसाब से अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो पूजा का